सदियों की पुराना रिश्ता रहा है। समुद्र ने एक तरफ हमें धन धान्य खनिजों और वनस्पतियों से समृद्ध किया है तो दूसरी ओर इसने हमें दुनिया भर से जोड़ने का भी काम किया है। हमारी परंपरा, उत्सव, त्यौहार, कला, साहित्य, संस्कृति, ट्रेड और इकोनॉमी बहुत हद तक समुद्र से जुड़े हुए हैं, पर इस समृद्धि के साथ साथ हमें समुद्र से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां भी हमारे सामने कम नहीं मिली हैं। इन चुनौतियों ने हमें सिखाया है कि मैरिटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर किए बिना एक कंप्रिहेंसिव इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इंडिया के मैरिटाइम जोन्स को सेफ, सिक्योर और पॉल्यूशन फ्री रखना हमारी सुरक्षा जरूरतों, इन्वायरमेंटल हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक साथ इंश्योर करता है। मुझे यह कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड इन सभी चैलेंजेस को एक साथ सक्सेसफुली एड्रेस कर रहा है। साथियों, आज हमारा देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इस राह में अनहिंडर्ड मैरिटाइम एक्टिविटी हमारी एक प्रमुख आवश्यकता है। एक राइजिंग मैरिटाइम पावर होने के चलते हमारी प्रॉस्पेरिटी बहुत हद तक समुद्र पर निर्भर है, इसलिए अपने साथ साथ क्षेत्र के सभी देशों की सुरक्षा और प्रगति हमारा एक यह प्रमुख उद्देश्य है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन में यह उद्देश्य भली भांति स्पष्ट होता है। भारत सरकार के विजन के अनुरूप कोस्ट गार्ड रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने, इंडियन ओशन रीजन में मैरिटाइम पीस बनाए रखने और इंटरनेशनल मैरिटाइम एजेंसीज के साथ मिलकर कार्य करने के लिए सदैव अग्रसर रहा है। साथियों, मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे कोस्ट गार्ड द्वारा किए गए गैलेंट एक्ट का प्रभाव न केवल हमारे क्षेत्र बल्कि नेबरहुड पर भी बराबर पड़ा है। आपका एक एक सक्सेसफुल मिशन आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिव रिस्पांस को भी दिखाता है। वेरी लार्ज क्रूज कैरियर न्यू डायमंड या फिर कंटेनर वेजल एक्सप्रेस पर्ल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो, हमारे कोस्ट गार्ड ने सागर आरक्षा 1 और 2 ऑपरेशन चलाकर फायर फाइटिंग और पॉल्यूशन रेस्पॉन्स में अपना एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। आप लोगों ने यदि टाइमली कार्रवाई न की होती तो यह इंडियन ओशन रीजन में एक बड़ी तबाही का कारण बन सकता था। आप लोगों द्वारा किए गए इस साहसी अभियानों से देश को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली है और एक रेस्पॉन्सिबल और कैपेबल मैरिटाइम पावर के रूप में इंडिया की पोजीशन भी यह मजबूत हुई है। कंट्राबैंड यानी इलीगल वेपन और नारकोटिक ट्रैफिकिंग के खिलाफ चलाए गए आपके अभियान भी यह सराहनीय रहे हैं। ऐसे तत्व न केवल हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि उससे कहीं अधिक हमारे समाज और राष्ट्र पर भी बुरा प्रभाव यह डालते हैं। खासकर हमारी नई पीढ़ी इनसे प्रभावित हो सकती है जिनके कंधों पर आने वाले समय में देश की बड़ी जिम्मेदारी रहती है। इस तरह इन प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध व्यापार पर व्यापक रूप से रोक लगाकर आप न केवल वर्तमान की चुनौतियों से निपटते हैं बल्कि देश का भविष्य भी सुरक्षित और सुदृढ़ करने का भी आप कार्य करते हैं। अभी कुछ समय पहले ताउते और यास तूफानों में भी अपनी जान जोखिम में डालकर अनेक नाविकों और कोस्टल एरिया के अनेक लोगों की जान बचाने का भी सराहनीय काम आप लोगों के द्वारा ही हुआ है। ऐसे मुश्किलात में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिवली सहायता करने के लिए मैं पुनः आप सबकी तहे दिल हार्दिक सराहना करता हूं। इसी प्रकार की एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जहां आपने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और सेंटिनल्स ऑफ द सी की प्रतिष्ठा को कायम रखा है। इन सभी उपलब्धियों का श्रेय हमारे कोस्ट गार्ड के सभी अफसर और जवानों को सम्मिलित रूप से जाता है। इस अवसर पर मैं हजारों जवानों के परिजनों को भी अपनी ओर से नमन करता हूं जो उनकी बैकबोन है। यह उन्हीं के टायरलेस एफर्ट्स हैं जो हमारे जवानों को मोटिवेट करते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सदैव उन्हें
तैयार भी रखते हैं। अंत में मैं एक बार फिर सभी मेडलिस्ट और उनकी फैमिलीज को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आप सबके भविष्य के प्रयासों की सफलता करते हुए अपना निवेदन यही समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।